नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एमएस यूनिवर्सिटी में एफआई बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में डीसीएसई सब्जेक्ट में जितने भी ग्रामर के पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। मतलब वो टॉपिक जो कि कॉलेज में करवाए हैं वो, और वो टॉपिक भी मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूं जो कि कॉलेज में नहीं करवाए हैं, बट कॉलेज की डीसीएसई की बुक के अंदर कवर किए हुए हैं। और यहाँ पे कॉलेज के ट्रांजेक्शंस और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो इस पूरे सेशन को ध्यान से देखना तो आपकी ग्रामर की बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपके जितने भी फ्रेंड्स एफआई बीकॉम में है, उन सबके साथ भी इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि इनको ये सभी के सभी पॉइंट्स कवर हो जाए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडजेक्टिव्स, फिर एडवर्ब, देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉज, फ्रेज एंड डायलॉग्स और कन्वर्सेशंस। ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो यहां पे हम सबसे पहला जो हमारा ग्रामर का पॉइंट है, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन और नाउन फ्रेज। वो यहां पे देखो, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो कि जो नाउन है या नाउन फ्रेज है उसको यहां पे क्या करता है, थोड़ा डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी देता है, तो उसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव प्रोवाइड फर्दर या एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। तो यहां पे एडजेक्टिव क्या है? ऐसा कोई भी वर्ड जो कि नाउन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉय, लड़का, तो वो नाउन हुआ, पर हम बोल रहे हैं स्मार्ट बॉय, मेरे जैसा, तो वो हो गया एडजेक्टिव। तो यहां पे स्मार्ट जो है वो नाउन के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो ये स्मार्ट को हम कहेंगे एडजेक्टिव। देखो, सिर्फ गर्ल है तो वो क्या हो गया? नाउन। बट हम कहेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लड़की है, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाम के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली, रूम है तो वो नाउन है, पर बिग रूम, तो बिग, ये उस नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है कि भाई बिग रूम है, स्मॉल रूम है, मीडियम रूम है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। कलरफुल ड्रेस, तो ड्रेस नाउन है बट कलरफुल ड्रेस है, तो ये कलरफुल, ये हो गया एडजेक्टिव। स्टडी, भाविन सर की टीचिंग, अब यहां पे स्टडी है, एक्सीलेंट टीचिंग, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जो भी यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस वर्ड को कहेंगे एडजेक्टिव। तो चलिए, यहां पे हम लोग टेस्ट करते हैं आपके नॉलेज को कि ऐसे वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे यहां से जो कि सेंटेंस के अंदर नाउन के बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो। तो देखो, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडजेक्टिव फाइंड आउट करना, एडजेक्टिव क्या? वो वर्ड जो नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस सूप इज नॉट एडिबल। तो यहां पे देखो, सूप, कौन सा सूप? दिस सूप, आ सूप, एनी बात करी रहा है, तो दिस यहां पे हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि वो सूप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर यहां पे ऐसा भी लिख सकते थे, दिस सूप की जगह पे टोमेटो सूप, तो सूप कौन सा? टोमेटो सूप है, तो सूप के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन दी है। ही वॉज वेयरिंग अ स्लीवलेस जैकेट। स्लीवलेस जैकेट है, स्लीव नहीं है, जैकेट ये नाउन हो गया, जैकेट ये नाउन है, और ये नाउन के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन मिली कि स्लीवलेस है या तो फुल स्लीव है, तो ये फुल स्लीव या स्लीवलेस या थिक या कलरफुल जैकेट, वो सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। दिस शॉप इज मच नाइसर। तो एक एक तो दिस एंड मच, मच नाइसर, नाइस उसको और नाइसर है, तो यहां पे ये क्या हो गए? एडजेक्टिव। ही हैज यूज्ड मीनिंगलेस सेंटेंस टू एक्सप्रेस हिज एंगर। देखो, सेंटेंस कैसे? सेंटेंस मीनिंगलेस सेंटेंस, तो ये मीनिंगलेस क्या हो गए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उस सेंटेंस के बारे में, मीनिंगलेस सेंटेंस बोल रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। मदर सेड जायंट मॉन्स्टर्स आर हाइडिंग अंडर माय बेड। तो जायंट मॉन्स्टर, जायंट मतलब बहुत बड़ा, मॉन्स्टर मतलब जंगली, आप ऐसा समझो कोई ना कोई राक्षस, भूत, जो भी डर है वो, तो जायंट ये क्या हो गया यहां पे? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो आई होप कि दोस्तों आपको ये एडजेक्टिव के बारे में पता चला होगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें,
आपके जो कोई भी फीडबैक है, आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो कुछ भी है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे आपके फीडबैक जरूर दें। और आपके जितने भी फ्रेंड्स FY BCom MS यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन सब के साथ इस ग्रामर के सेशन को जरूर शेयर करो, ताकि सबको फायदा मिले। और अगर आपको टाइम टू टाइम सब इंफॉर्मेशन, कॉलेज की स्टडी रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स, रिवीजन वीडियोस वगैरह टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका सिटी का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ताकि हम लोग टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। और आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स अवेल करने हैं एट द लोवेस्ट फीस, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दें, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसमें आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे डेमो वीडियोज भी रखे हैं, तो आप वो भी देखें, इससे भी आपको जरूर फायदा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज एडवर्ब। तो देखो दोस्तों, अगर आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया है तो एडवर्ब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जैसे नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते थे, वैसे एडवर्ब देखो, एडवर्ब इज अ वर्ड हुज मेन फंक्शन इज टू मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या? वर्ब, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, या तो क्लॉज या प्रीपोजिशंस और सेंटेंस, मतलब को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसके थोड़ा और वेट लगा देना है, थोड़ा उधारे बाहर आप पानो छे। नॉर्मली इट एंड विथ द लेटर LY, मतलब एग्जैक्टली, लिटरली या फिर एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, तो पीछे LY लग सकता है, टू लग सकता है, ऑल लग सकता है, हार्ड, फास्ट, वेल, ये सब अगर वर्ड्स लगे हैं तो वो हम कहेंगे एडवर्ब। अब यहां पे कॉलेज में जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई थी, मैं यहां पे ये ले रहा हूं, तो देखो, सीता रिप्लाई टू माय कॉल्स क्विकली। देखो उसने रिप्लाई दिया, कैसे दिया? क्विकली। तो ये क्विकली क्या हो गया दोस्तों? यहां पे एडवर्ब हो गया। और ये कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर दिखाता है कि भाई तुरंत रिस्पॉन्स दिया, ऐसा नहीं है कि आज मैसेज या कॉल किया था और एक महीने के बाद रिस्पॉन्स आया। तो ये है मैनर ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर। देन दे लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। तो यहां पे देखो ये क्या हो गया? यस्टरडे, कल लेफ्ट कर दिया, ये टाइम एडवर्ब दिखा रहा है। प्लीज प्लेस योर ऑर्डर देयर, कहां पे? वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस करो। ऑर्डर यहां पे नहीं देना है, वो ऑर्डर काउंटर है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन राम गोज टू कॉलेज ऑफन। ऑफन ये हो गया यहां पे एडवर्ब। राम कब कॉलेज जा रहा है? ऑफन, रेगुलरली जा रहा है, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑफन जा रहा है, ओकेजनली जा रहा है, रेगुलरली जा रहा है, तो ये रेगुलरली, ऑफन या ओकेजनली, ये क्या हो गए? एडवर्ब हो गए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। Then the supersonic is the fastest plane on the earth. तो यहां पे supersonic वो कैसा है? Fastest plane. देखो fastest plane adverb. Supersonic plane है, कैसा plane है? Fastest plane है। तो ये क्या हो गया? Adverb हो गया। तो ये sentences कुछ college में दिए थे, वो हमने cover किए। इसके अलावा और हम transactions या sentences देखते हैं practice के लिए, जिसमें क्या कहा है? Identify the एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब फाइंड आउट करना है। देखो मॉम स्विम्स वेल। देखो स्विम जो है वो वर्ब है, वो हमें पता है, तरवो। मॉम जो है वो नाउन है, तो यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है? वेल। कैसी स्विमिंग करती है? वेल, बढ़िया स्विमिंग करती है। तो ये जो वेल है वो क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा वेल। आपको एमसीक्यू में पूछा है तो यहां पे आपको वेल टिक मार्क करना होगा। सी स्पोक सॉफ्टली। अब देखो सी क्या है? नाउन है। स्पोक क्या है? स्पीक का पास्ट टेंस, यानी कि वर्ब का पास्ट टेंस। कैसे बोलती है वो? बहुत ही सॉफ्टली, बहुत अच्छे से बोलती है। तो ये सॉफ्टली क्या हो गया दोस्तों? यहां पे एडवर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? उसी तरह से अनम साउटेड लाउडली, जोर जोर से अनम चिल्ला रही है, टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। तो अनम साउटेड, साउट वर्ब है, अनम नाउन है, पर नाउन यहां पे कैसे साउट कर रही है? लाउडली कर रही है, लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया यहां पे? एडवर्ब हो गया। सी प्लेस पियानो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया सा पियानो बजाती है। तो यहां पे ब्यूटीफुली ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। द मैन रैन हेस्टली, हेस्टली मतलब क्या? जल्दी जल्दी से, टुवर्ड्स द फ्रंट गेट। तो देखो आपको वैसे भी ये एल वाई वगैरह सब वर्ड देखोगे ना, वहां से ही पता चल जाता है, बट यहां पे द मैन ये नाउन हो गया। रैन, रन का पास्ट टेंस है, वो वर्ब है, और कैसे दौड़ रहा है? हेस्टिली मतलब तेजी से गेट की तरफ भाग रहा है। तो तेजी से ये क्या हो गया यहां पे? एडवर्ब हो गया। क्लियर? आई होप कि यहां तक के सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे।
और जो कॉलेज में करवाए थे वो भी सेंटेंसेस में यहां पे ले रहा हूं। देखो ये जो सेंटेंसेस अब मैं करवा रहा हूं वो कॉलेज में जो करवाए थे वो है। यहां पर हमें वही चीज करनी है, एडवर्ब फाइंड आउट करना है। ही वॉज वेयरिंग अ स्लीवलेस जैकेट, जो कि हमने ऑलरेडी आगे कर दिया। तो देखो स्लीवलेस जैकेट है या फुल स्लीव जैकेट है या कलरफुल जैकेट है, तो जो भी होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो जैकेट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रही है। तो ये स्लीवलेस क्या हो गया, एडजेक्टिव, ध्यान रखना। ही हैज यूज्ड मीनिंगलेस सेंटेंस, आगे भी हमने देख लिया मीनिंगलेस मैंने करवा दिया, पर ये कॉलेज में है इसलिए मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं। मदर सेड जायंट मॉन्स्टर, तो देखो जायंट मॉन्स्टर है पर कैसा जायंट है। आई वुड लाइक टू हैव अ कोल्ड एंड चिल्ड कॉफी, एक्स्ट्रा है कोल्ड एंड चिल्ड कॉफी, कॉफी कैसी कॉफी, कोल्ड एंड चिल्ड कॉफी, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। सी वॉर अ रेड ड्रेस, कैसा ड्रेस, रेड कलर का, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, रेड कलर का, रेड ड्रेस, नाइस ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, कोई स्पेसिफिक स्टाइल है वो स्टाइल का ड्रेस, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस ले रहा हूं। देखो बहुत सारे सेंटेंसेस मैं यहां पे कवर कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवा सकूं। देखो आइडेंटिफाई दी एडवर्ब, अब यहां पे हम एडवर्ब फाइंड आउट करेंगे, आगे हमने एडजेक्टिव देखे। एट अबाउट 5 in the morning द स्टेशन मास्टर एंड द पोर्टर अराइव्ड इनोसेंटली वॉक्ड इन। देखो ये जो सेंटेंसेस है ना, ये जो आपको स्टोरी है ना, ये स्टोरी में से मैंने कवर किया है क्योंकि यहां पे आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में स्टोरी के भी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जो स्टोरी है टाइगर्स क्लॉज आईज हैव इट, उसमें से ये पॉइंट है। तो यहां पे देखो हम लोग द अबाउट 5 in the morning स्टेशन मास्टर एंड पोर्टर अराइव्ड इनोसेंटली वॉक्ड इन, इनोसेंटली ILY यहां पे ये लगा है ना, तो ये क्या हो गया हमारे लिए एडवर्ब हो गया। तो इनोसेंटली इज एडवर्ब। देन मैंने आपको मेन आगे जो सीखा ना आपको वो याद रखना है कि एडवर्ब है वो कैसे पता चलेगा, ly लग रहा है, टू, हार्ड, फास्ट, वेल, ये सब वर्ड आप लोगों को देखने हैं। देखो यहां पे ही डिड नॉट विजिट दिस पार्ट अगेन थ्रू वन वॉज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली देखो पीछे ly लगा, हियरिंग ऑफ हिज ravages, तो यहां पे constantly ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा adverb। Then I instantly, instantly देखो instantly पता चल गया adverb क्या होगा, instantly recognized him by his right forepaw where 3 toes and claws are missing। Then fourth I swiftly, swiftly देखो मिल गया ly swiftly, तो यहां पे क्या होगा swiftly हो जाएगा हमारा adverb। He would have scooped portions of me out for his use, but fortunately, देखो fortunately, ly, fortunately मिल गया, तो ये fortunately हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए adverb। तो ये सारे पांचों के पांच sentence है जो आपकी story है tiger's claws, उसमें से मैंने लिए है। स्टोरी के भी बेहतरीन सेशन मैंने एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो में रखे हुए हैं, स्टोरी का वीडियो है, ऑथर के बारे में वीडियो है, तो वो सब आप लोग अच्छे से देख सकते हो। चलिए यहां तक हमारा ये सेकंड एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला पार्ट खत्म हुआ, आगे हम लोग देखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साहस इंस्टीट्यूट में एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे क्लास में आके हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के सामने बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। अगर सपोज आप दूर रहते हो या क्लास पे नहीं आना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो साहस ई क्लासेस, जहां पे आप कहीं से भी हमारे डिजिटल क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हो, जो कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस है उससे काफी हटके और यूनिक एक्सपीरियंस है, तो आप इसका एडवांटेज जरूर लीजिए। या फिर साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप से भी पढ़ाई कर सकते हो, पहले या दूसरे ऑप्शन में जाने वाले बच्चे को साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन का एक्सेस तो वैसे भी टोटली फ्री मिलता है, और तीनों ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स है, तो आपको अभी इसका बेनिफिट लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और दोस्तों ये काफी इजी है, सिंपल है। देखो यहां पे टोटल 4 टाइप के सेंटेंस की बात है। पहला है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ वाक्य दैट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस है वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है, तो वो हो गया हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन नेक्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दैट डिक्लेयर्स या स्टेट मतलब इन्फॉर्म करना सम फैक्ट, अरेंजमेंट, ओपिनियन एटसेट्रा। इट कैन बी एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव और
नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर ये दोनों को हम लोग कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉर्मली पीछे फुल स्टॉप लगता है। उसके अलावा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस विच इश्यूज और गिव्स कमांड और रिक्वेस्ट, मतलब कोई कमांड ऑर्डर या रिक्वेस्ट है, लाइक सिट डाउन, तो ये सिट डाउन, ऐसा इन्फॉर्म किया, इंस्ट्रक्ट किया, या प्लीज गो आउट, प्लीज कीप योर शूज आउट, तो ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य, तो एंड विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिस सेंटेंस के पीछे एक्सप्लेनेटरी मार्क उद्गार चिन्ह लागे छे, तो एने कहीशुं आपणे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो चार टाइप के सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए यहां पे कॉलेज में इसके लिए जो सेंटेंसेस लिए थे, मैं यहां पे वही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पहला, डू यू थिंक ही इज गोइंग टू विजिट स्कूल, आपको लगता है कि वो स्कूल की विजिट करेगा, पीछे देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो क्लियर हो गया, यहां पे देखो प्रश्नार्थ चिन्ह कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई मे स्टार्ट द वर्क नेक्स्ट वीक फुल स्टॉप, देखो इन्फॉर्म किया एक भी, मैं नेक्स्ट हफ्ते से काम चालू करूंगा, देखो नॉर्मली हम लोग भी करते हैं ना, कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, परसों से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, इस बार मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, तो ये क्या है, आपने इंफॉर्मेशन दी है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्लियर। देन व्हाट अ ग्रेट मूवी इट वॉज, व्हाट अ ग्रेट, एक्सलेंट, बढ़िया, तो ये क्या है, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इज देयर एनी बुक शॉप नियर बाय, क्या आसपास नजदीक में कोई बुक शॉप है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब भाई ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टॉप टॉकिंग, तो ये स्टॉप टॉकिंग, गो आउट, कीप योर शूज आउट, ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, कमांड या रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, एक भी बातें करना बंद करो, बाहर निकलो, शूज बाहर निकालो, खड़े हो जाओ, गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो ये क्या है, इन्फॉर्म किया, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वैसे भी देखो पीछे फुल स्टॉप लग रहा है। लॉस्ट इन वंडर, कहीं पे खो, लॉस्ट इन वंडर, तो ये देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन, यहां पे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा, मतलब ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य, क्लियर। चलिए कॉलेज के अलावा थोड़े और एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शंस यानी कि सेंटेंसेस भी हम ले लेते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाए। डू यू थिंक साहस स्मार्ट स्टडी ऐप इज द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, क्या आपको लगता है कि साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया सोर्स है, लोवेस्ट फीस पे एक्सेलेंट एजुकेशन का, तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं यस कहो या नो कहो, हाँ अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के आप यूजर है, आपको उससे अच्छा नॉलेज मिल रहा है बहुत ही कम फीस पे, तो आप नीचे सेंटेंस मींस कमेंट में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। आई मे स्टार्ट द वर्क नेक्स्ट वीक, देखो आगे भी आ गया, नेक्स्ट वीक से वर्क स्टार्ट करूंगा, पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, स्टडी स्टार्ट करूंगा, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव। आई मे नॉट स्टार्ट द स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, तो भी ये डिक्लेरेटिव हो गया, भले नेगेटिव है, आई मे नॉट, आई विल नॉट गो टू फॉर एग्जाम्पल महाबलेश्वर नेक्स्ट वीक, तो नॉट गो, तो ये भी क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट अ ग्रेट मैच इट वॉज, क्या बढ़िया मैच थी, एक्सप्लेनेटरी मार्क है यहां पे, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इज देयर एनी वैक्सीन सेंटर नियर बाय, क्या नजदीक में कोई वैक्सीन सेंटर है जहां पे 18 इयर्स प्लस वैक्सीन जाके ले सके, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सी इज जीनियस एंड वी ऑल नो दैट, वो बहुत इंटेलिजेंट और हम सबको पता है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्लियर। आई होप दोस्तों कि यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको पता चली होगी। अब आगे हम लोग क्लॉजेस के ऊपर जाए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप या आपके फ्रेंड्स कोई भी हो या छोटे भाई बहन हो 11th 12th कॉमर्स के लिए, FY/SY/TY BCom के लिए, CA या CS के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं, तो साहस इंस्टीट्यूट पे एडमिशन ओपन है और अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं पढ़ाई के, जिसमें से आपके कन्वीनियंसी का कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके बेस्ट नॉलेज, पैम्पलेट्स, मटेरियल्स, ये सब लोएस्ट फीस पे हासिल कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लॉजेस। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि क्लॉज क्या है, तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब कुछ ग्रुप्स है वर्ड का जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है।
क्लॉज आर ऑफ टू टाइप्स, याद रखना दो टाइप है क्लॉज के, सेंटेंस नहीं है यहां पे, क्लॉज की बात चल रही है। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि इट इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, उसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, लाइक आई ज्वाइंट साहस इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंट कोचिंग, या आई सब्सक्राइब टू साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, ये सिंपल सेंटेंस है तो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। सी इज ब्यूटिफुल, तो ये क्या हो गया यहाँ पे सिंपल यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। विराट कोहली इज अ बैट्समैन, या विराट कोहली इज एक्सेलेंट बैट्समैन, तो ये क्या हो गया सिंपल सेंटेंस है यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर दो सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो एक ही सेंटेंस होगा, डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर दो सेंटेंसेस होंगे, इट कैन नॉट बी सिंगल और सिंपल सेंटेंस, मतलब वो सिंपल या सिंगल नहीं होगा। यहां पे डिपेंडेंट के लिए जरूरी है कि कम से कम दो सेंटेंस तो आपको मिले, तो ही तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकता है। इट मस्ट रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसके साथ आपको दूसरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए ही, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। एंड नॉर्मली डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद द वर्ड लाइक ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, हु, बिकॉज एटसेट्रा, तो ये वर्ड से याद रखना। इसके बाद जो भी आते हैं वो हमारे होंगे यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉजेस। जैसे कि यहाँ पे देखो ऑल्दो आई स्टडी फॉर लेस अवर, देखो ऑल्दो, ऑल्दो वर्ड आया, ऑल्दो के बाद ये है ना आई स्टडी फॉर लेस अवर, तो ये क्या हो गया यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज। आई कैन स्कोर बेस्ट रिजल्ट विथ साहस स्मार्ट मोबाइल अर्निंग, तो ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। जबकि ये ऑल्दो के बाद जो लिखा है वो क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद सेकंड, इंडिया विल विन द मैच बिकॉज, देखो बिकॉज यहां पे आया, बिकॉज वर्ड आया, बिकॉज के बाद यहां पे क्या लिखा है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इज बैटिंग, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्या है यहां पे कि इंडिया विल विन द मैच, तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली डिपेंडेंट क्लॉज विल स्टार्ट विद द वर्ड्स लाइक ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, हु, बिकॉज एटसेट्रा, क्लियर। चलिए तो यहां पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसके सेंटेंसेस के लिए। देखो द प्रोफेसर हु टॉट अस हिस्ट्री इन द क्लास 11 हैज रिटायर्ड, तो देखो यहां पे हु के बाद, देखो ये हु वर्ड आया, हु के बाद जो लिखा है वो यहां पे हमारे लिए हो जाएगा डिपेंडेंट। तो प्रोफेसर हु टॉट अस हिस्ट्री इन क्लास 11 यहां तक, फिर हैज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड हो चुका है, तो यहां पे डिपेंडेंट क्या है कि प्रोफेसर हु टॉट अस हिस्ट्री इन क्लास 9th, देन यहां पे 9th क्लास की बात है। बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड आई प्रीफर्ड नॉट टू ड्रिंक इट, तो यहां पे देखो बिकॉज के बाद क्या वर्ड आई रहा, देखो बिकॉज यहां पे है, बिकॉज के बाद जो भी होता है वो होता है हमारे डिपेंडेंट क्लॉज, तो बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, तो बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई प्रीफर्ड टू ड्रिंक, आई प्रीफर्ड नॉट टू ड्रिंक इट, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। सी रिटर्न द प्रोडक्ट आफ्टर सी नोटिस इट वॉज डैमेज, तो देखो यहां पर आफ्टर वर्ड देखने को मिला, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, हु, बिकॉज, इसके साथ साथ एक आप आफ्टर वर्ड भी एड कर सकते हो, तो आफ्टर सी नोटिस इट वॉज डैमेज, ये क्या हो गया यहां पे डिपेंडेंट। आफ्टर द साइक्लोन हिट, देखो अगेन यहां पे आफ्टर द साइक्लोन हिट देर वॉज अ वेरी लिटल ट्रीज लेफ्ट स्टैंडिंग, मतलब वावाजोड़ू आयु पछी बहुत ओछा झाड़ो रहा है जो उभा है बाकी बधा पड़ी गया, हमणा ज वावाजोड़ू आयु छे, तो आफ्टर के बाद जो आया है वो क्या हो जाएगा यहां पे डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। इवन धो, इवन धो, देखो आगे ही आ गया था कि यहां पे ऑल धो, इवन धो, ये सब वर्ड आते हैं उसके बाद जो सेंटेंस होते हैं उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट, तो यहां पे इवन दो द कॉन्सेप्ट वॉज गुड, तो इवन दो द कॉन्सेप्ट वॉज गुड वो क्या हो जाएगा हमारे लिए डिपेंडेंट क्लॉज। आई रियली डिडंट लाइक टू प्ले, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको चीजें क्लॉज की समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फ्रेजेस। तो देखो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड नहीं होंगे, दो तीन कुछ वर्ड्स होंगे यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट
एंड वर्ब कॉम्पोनेंट, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब का कॉम्पोनेंट नहीं होगा। अब यहां पे तीन टाइप के फ्रेजेस होते हैं, याद रखना, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। नंबर वन नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मतलब क्या, कि जो नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हो, लाइक शॉर्ट गर्ल, टॉल मैन, फैट अंकल, स्लिम बॉय, तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे नाउन फ्रेजेस, वो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। वर्ब फ्रेज विल अग्री टू योर पॉइंट, तो ये क्या हो गए, वर्ब फ्रेज हो गए। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज लाइक फॉर वन वीक और फॉर 15 डेज और फॉर 2 आवर्स और फॉर 1 वीक, तो ये सब क्या हो गए, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो यहां पे तीन टाइप के फ्रेज है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्लियर। चलिए अब यहां पे हम लोग इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज, जो अंडरलाइन की हुई है वो फ्रेज कैसा है वो आइडेंटिफाई करना है। द बुक विथ अ रेड कवर इज माइन, तो देखो द बुक विथ रेड कवर किसके बारे में बात कर रहा है, यहां पे बुक के बारे में, बुक क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, एडजेक्टिव फ्रेज। यहां पे देखो, उसके बाद अब एडजेक्टिव फ्रेज लिखा है मतलब नाउन फ्रेज ही हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, जो कि नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है। एडवर्ब लिखा है तो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमने पहले ही टॉपिक में एडजेक्टिव और एडवर्ब देख लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई सो द बर्ड विथ अ बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर से देखा है, बाइनोक्यूलर से देखा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, ये वाला वर्ब फ्रेज। देन द वेरी स्मॉल किटन जंप्ड एट द बिग डॉग, किटन कैसा किटन, वेरी स्मॉल, नाउन के बारे में है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया, या फिर उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो ऑप्शन में या नाउन फ्रेज हो, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन आई लव्ड द बुक, लव्ड द बुक, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। आई विल सिट इन साइलेंस, बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, साइलेंस, सिट विथ साइलेंस, तो ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। उसके अलावा यहां पे नाउन और एडजेक्टिव के एंगल से देखते हैं, तो भी एक्स्ट्रा यहां पे सेंटेंसेस लिए मैंने, देखो, दे वुड नॉट हैव नोन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस बट फॉर द फैक्ट दैट इट वॉज द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन ये क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि रेलवे स्टेशन प्लेस का नाम है। देखो ये जो सारे सेंटेंस है ना, जो स्टोरी है टाइगर्स क्लॉज, उसमें से लिए हुए है, ताकि आपको स्टोरी में से भी अगर ग्रामर पूछना है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई हो। ही सेंट द पोर्टर अलोंग विथ मी टू द विलेज, विलेज विलेज गांव, गांव क्या है, नाम है, नेम है फ्रेज में यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, या उसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हो, ठीक है। यू माइट वंडर वॉट आई वॉज डूइंग इन दैट डिसोलेट कॉर्नर ऑफ द अर्थ, कासा कॉर्नर, डिसोलेट कॉर्नर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का, जमीन का वो टुकड़ा जहां पे कोई नहीं है, मैं वहां पे हूं, तो ये कैसे जगह की बात हो रही है, तो उसे हम नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। देन 1 नवंबर मॉर्निंग अ मिक्स्ड ट्रेन पुट मी डाउन एट दिस स्टेशन एंड पफ्ड अवे इनटू द फॉरेस्ट, पफ्ड अवे गायब हो गए स्टेशन में, फिर अंदर हवा में गायब हो गए, वो पूरी स्टोरी आपको याद हो तो मॉर्निंग के धुएं में वो गायब हो जाती है, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाती है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर एडजेक्टिव, नाउन की बात हो गई, स्टेशन मास्टर मतलब, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। लिव्ड हियर विथ हिज वाइफ एंड 7 चिल्ड्रन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर इसको हम लोग नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग हमारा आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज डायलॉग्स और कन्वर्सेशंस। ये आपको जो डीसीएसई की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, कॉलेज में भी करवाया था, वो यही है। देखो, अद्रिस, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, तो उसके बाद आगे क्या होगा, यहाँ पे अद्रिस और प्रोफेसर के बीच का कन्वर्सेशन है, तो आई थिंक अद्रिस क्या होगा, स्टूडेंट होगा, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, तो उसके बाद वो क्या पूछेंगे, हम किसी को भी विश करते हैं गुड मॉर्निंग, फिर क्या पूछते हैं, हाउ आर यू, कॉमन है, लड़का लड़की चैट भी करते हैं, गुड मॉर्निंग, उसके बाद कैसे हो, मेरे बाबू ने खाना खाया, यहाँ पे प्रोफेसर को ऐसा तो पूछेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ आर यू, तो ऑब्वियस है कि प्रोफेसर क्या कहेगा, आई एम फाइन, आई एम फाइन अद्रिस, थैंक यू, एंड यू
कोई भी हमें पूछेगा कि आप कैसे हो, तो हम क्या कहेंगे, नहीं मैं तो बहुत बुरा हूं, ऐसा थोड़ी कहेंगे, मैं अच्छा हूं, और बताओ आप कैसे हो। तो यहां पे यही है, प्रोफेसर ने कहा आई एम फाइन आदरिस, थैंक यू, एंड यू मतलब एंड व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो, तो आदरिस क्या कहेगा, आई एम ग्रेट। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, थैंक यू, भी आपने मुझे भी पूछा, तो मैं भी बहुत अच्छा हूं, थैंक यू। दिस इज माई फ्रेंड नुसरत, सी इज प्लानिंग टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, However, she has some queries. Will you help her, please? मतलब यहाँ पे अद्रिस कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है नुसरत, उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट उसको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरीज है, वो पूछना चाहती है, तो क्या आप उसको हेल्प करोगे? तो प्रोफेसर क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी कहेंगे, प्रोफेसर कहेंगे क्या कहेंगे, यस ऑफ कोर्स, या फिर यस श्योर, प्लीज स्टॉप बाय माई ऑफिस नेक्स्ट वीक, मुझे अगले हफ्ते ऑफिस पे मिलने आ जाओ। तो नुसरत यहाँ पे क्या करेगी, ओके सर, या थैंक यू सर, यहाँ पे क्या कहेगी नुसरत, ओके सर एज यू से, या ओके सर थैंक यू, ये कहेगा, ऑब्वियस है नुसरत ऐसा ही कहेगी। तो अब कोई भी नॉर्मली थैंक यू कहता है तो हम सामने हमें क्या उसको कहते हैं, ऑब्वियसली वेलकम। तो प्रोफेसर क्या कहेंगे, यू आर वेलकम, या यू आर वेलकम, या सिर्फ वेलकम, कुछ भी चलेगा, यू आर वेलकम, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन नेक्स्ट वीक। तो लास्ट में नुसरत कहती है थैंक यू, तो प्रोफेसर क्या कहते हैं, यू आर वेलकम नुसरत, और आशा रखता हूं कि आपके जो भी क्वेश्चन है मैं अगले हफ्ते आपको आंसर दे पाऊंगा। तो इस तरह से डायलॉग्स कुछ कन्वर्सेशंस होते हैं, तो वो नॉर्मली हमारे लॉजिक्स लगाने हैं, यहाँ पे कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, नॉर्मली हम लोग किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं वही लॉजिक के साथ हमको अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पूरा सेशन ग्रामर का कॉलेज में जितना था वो डीसीएसई की बुक में जो था, एक्स्ट्रा सेंटेंस ये से सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, और आई होप कि आपको इससे जरूर फायदा होगा ही। आपको लगे तो इस वीडियो सेशन को एक दो बार और देखें, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, आपके कमेंट्स दें। और इसी तरह से कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए, चाहे 11th 12th कॉमर्स गुजराती या इंग्लिश मीडियम हो, FYSY TY BCOM CA या CS के कोई भी लेवल के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, उसमें अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर दे, उसके अंदर सभी कोर्सेज में मैंने डेमो वीडियोस भी रखे हैं, पैम्पलेट्स रखे हैं, तो वो सब आप देखें, और आपको उससे पता चल जाएगा कि कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप लोगों को मिल सकता है, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर सब कुछ टेरिफिक लेवल पे बढ़ सके। और आप सब दोस्तों इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, मी भाविन शाह साइनिंग ऑफ, जय हिंद।